की तारीख है 15 मार्च। बात है साल 1921 की। एक 16 वर्ष की लड़की को शांति निकेतन में टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती में भेजा गया, जहां से उसे रविंद्रनाथ टैगोर से सीधे सीधे ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे चलकर उस लड़की ने उड़ीसा में श्रमिकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वह नमक आंदोलन से जुड़ी और कई बार जेल भी गई। साल 1946 में भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनकर महिलाओं के हक के लिए उस लड़की ने आवाज भी उठाई। वह लड़की कोई और नहीं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी मालती चौधरी थी। मालती देवी चौधरी का जन्म 26 जुलाई 1904 को विक्रमपुर ढाका कमराखंड में हुआ, लेकिन बाद में वह अपने परिवार के साथ सिमुलताला में बस गई। उनकी मां का नाम स्नेहलता था, जो पेशे से एक लेखिका थी। मालती देवी के पिता का नाम बैरिस्टर मुकुंदनाथ सेन था। जब वह सिर्फ 2.5 साल की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब से उनकी मां ने ही मालती देवी की देखभाल। मालती अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी और अपने भाई बहनों की प्रिय थी। मालती देवी जब 16 साल की हुई तभी उन्हें शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से सीधे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। शांति निकेतन में मालती देवी ने न सिर्फ डिग्री प्राप्त की, अलग अलग तरह की कला में भी खुद को पारंगत किया। उसी दौरान नवकृष्ण चौधरी एक छात्र के रूप में शांति निकेतन में आया। यही मालती देवी चौधरी की मुलाकात नवकृष्ण चौधरी से हुई। आगे चलकर साल 1927 में नवकृष्ण और मालती की शादी हो गई। मालती देवी चौधरी और नवकृष्ण चौधरी शादी के बाद उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के अनखिया गांव में बस गए थे। उसी गांव में उनके पति ने गन्ने की खेती में सुधार करना शुरू किया। वहीं मालती देवी ने कई पड़ोसी गांव में प्रौढ़ शिक्षा का काम भी शुरू किया। उन्होंने साल 1930 में मजदूरों के अधिकार के लिए आवाज उठाई, साथ ही उत्कल किसान सभा की भी नींव रखी। इसका उद्घाटन कटक में किया गया। इस उद्घाटन में जमींदारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया गया। कई किसान समितियों ने इसमें हिस्सा लिया था। गरीब किसानों को सूदखोरों और जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए मालती देवी ने कृषक आंदोलन की अगुवाई की। साल 1933 में उन्होंने अपने पति के साथ उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मचारी संघ का गठन किया। बाद में इस संगठन को अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा शाखा के रूप में जाना जाने लगा। साल 1948 में मालती और उनके पति ने उड़ीसा में उत्कल नवजीवन मंडल का भी गठन किया, जिसने ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण के लिए काम किया। साथ ही उन्होंने उड़ीसा सिविल लिबर्टीज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वह उन पहली कुछ आवाजों में से थी जिन्होंने नक्सलियों की हत्या की खुलकर आलोचना की। वहीं साल 1934 में उड़ीसा में मालती देवी महात्मा गांधी की पद यात्रा में उनके साथ थी। उन्होंने इस पद यात्रा में अहम भूमिका निभाते हुए बड़ी संख्या में लोगों को इससे जोड़ा। पूंजीवाद का विरोध करते हुए उन्होंने चरखा आंदोलन असहयोग आंदोलन से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कई बार साल 1921, साल 1936 और साल 1942 में अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानियों जैसे सरला देवी, रमा देवी और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में भी इन्होंने कैदियों को पढ़ाने का काम किया। 9 दिसंबर 1946 में मालती देवी चौधरी संविधान सभा के लिए चुनी गई। साथ ही वह उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी चुनी गई। वह उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि जल्द ही उन्होंने सभा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह किसानों, दलितों, आदिवासियों और बच्चों के साथ अपने काम पर ध्यान देना चाहती थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू किया तब भी उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जेल भी गई। वहीं आज ही के दिन यानी 15 मार्च साल 1998 में 93 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने शानदार काम के लिए मालती देवी को कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, उत्कल सेवा सम्मान, टैगोर साक्षरता पुरस्कार आदि शामिल है। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 12 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1892 में पहली बार न्यूयॉर्क में एटॉमिक बैलेट मशीन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं साल 1934 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म हुआ था।
साल 1997 में ईरान में पहली बार किसी महिला राजनीतिज्ञ को विदेश में नियुक्त किया गया था। आज ही के दिन साल 2008 में महात्मा गांधी की प्रतिमा इटली के पोसिलो में स्थापित की गई थी। वहीं साल 2009 में भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ था। साल 2021 में सीरिया में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।